दोस्तों, महिंद्रा ने अपना नया 5-डोर थार का एक टीज़र लॉन्च किया है, जिससे हमें पहला ये जानने को मिला है जो 5-डोर थार है उसका नाम रखा गया है थार रॉक्स, ROXX रॉक्स। और नया थार का एक झलक दिखाया गया है, उसमें से हमें ये देखने को मिला है जो 3-डोर वाला थार था उससे 5-डोर वर्सन वाला थार यानी कि थार रॉक्स देखने में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। इसकी लुक्स में काफ़ी सारा चेंजेस किया गया है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिया गया है, जिसमें एक सर्कुलर राउंड LED DRLs भी देखने को मिल रहा है। यानी कि 3-डोर वाला थार लेके जो लोग आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करता था, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगा। यानी कि महिंद्रा ने ऐसा बना दिया है कि आपको मॉडिफिकेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। और ये मॉडिफिकेशन से भी काफ़ी हद तक अच्छा देखने में लग रहा है। और इसका ग्रिल में भी नया लुक्स दिया गया है, यानी कि टीज़र में इसका थोड़ा सा एक झलक देखकर ही पता चल गया है कि एक पूरा पैसा वसूल SUV रहने वाला है। और इसका ग्रिल में एक और चीज़ देखने को मिला है, वह है इसका फ्रंट कैमरा, यानी कि इसमें 360° कैमरा भी दिया गया है। बाकी इसका बम्पर का डिज़ाइन वगैरह सेम ही है। इसका जो एलो व्हील्स है वो ड्यूअल टोन के साथ नए डिज़ाइन में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो 3-डोर वर्सन वाला थार का एलो व्हील्स था वो भी अच्छा खासा ही था, लेकिन इसमें उससे थोड़ा बेटर कर दिया गया है, जो कि देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप व्हील बेस देखें तो यहाँ पर व्हील बेस स्क्वायर टाइप कर दिया गया है, राउंड नहीं है। ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। और जो कि ये 5-डोर वर्सन थार है तो इसका लेंथ थोड़ा अभी बढ़ गया है। और इसका पीछे का जो डोर है उसका हैंडल आपको सी पिलर में देखने को मिलेगा, जो कि बॉडी कलर के साथ आएगा। और इसका पीछे का टेल लाइट का एक झलक दिखाया गया है, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि टेल लाइट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया है, स्क्वायर टाइप LED टेल लाइट्स देखने को मिल रहा है। और इसमें फेंडर माउंटेड ORVMS देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको सर्कुलर LED फॉग लाइट्स देखने को मिल जाता है। और इसमें पार्किंग सेंसर भी दिया गया है। और टीज़र में जो थार दिखाया गया है वो फुल ब्लैक कलर में दिखाया गया है, तो उसका देखने के बाद आई जस्ट लव दैट कार। और ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद मुझे ऐसा लगता है फोर्स गुरखा 5-डोर और जिमनी 5-डोर इस गाड़ी को तो टोटली रिप्लेस कर देगा। और आपको इस वाला थार में यानी कि थार रॉक्स में टॉप ऑफ द वेरिएंट अगर आप लेते हो तो इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। अगर आप मिड वेरिएंट लेते हो तो इसमें आपको एक छोटा सा सनरूफ ऑफर किया जाएगा। और दोस्तों, इंटीरियर के बारे में कुछ रिवील नहीं किया है थार रॉक्स ने, लेकिन इसका जो टेस्टिंग कार का फुटेज या पिक्चर थोड़ा लीक हुआ था, उसमें हमें यह देखने को मिला था कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो XUV700 के स्टीयरिंग व्हील जैसा मिलेगा। और इसमें एक बड़ा साइज का टच स्क्रीन दिया जाएगा। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS लेवल 2 भी इसमें आपको मिलेगा। और इसमें आपको फ्रंट में 2 वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर किया जाएगा। और क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और भी काफ़ी सारा फीचर्स इसमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये तो कन्फर्म है कि ये थार रॉक्स आपको 4x4 में ही मिलेगा, लेकिन थार रॉक्स आपको रियल व्हील ड्राइव में मिल सकता है कि नहीं, इसके बारे में कोई कन्फर्म नहीं है। हो सकता है आगे चलकर मिल सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। और 3-डोर थार में जो हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप वाला 2 ऑप्शन था, इसमें सॉफ्ट टॉप वाला वेरिएंट मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में महिंद्रा ने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है। इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंड 2.2 लीटर का MHOG डीजल इंजन मिलेगा, 6-स्पीड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। और दोस्तों, इस गाड़ी को 15 अगस्त लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में तो हमें पहले से ही पता था। और इस गाड़ी का और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें 15 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। अभी तक थार रॉक्स के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था हम आपको दे दिया। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।